साथियों, आज मैं आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहूंगा। साथियों, विभिन्न विद्यार्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर हम जल्दी ही ज्ञापन देने वाले हैं। पहले ध्यान से सुनना। देखो साथियों, हमारी प्रमुख मांगें रहेंगी। सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि इंटर्नशिप योजना को जल्दी से जल्दी बंद किया जाए, ठीक है ना। उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा रहेगा कि चाहे बिल हो चाहे पेमेंट हो, महीने की कोई फिक्स तारीख कर दीजिए कि आपका इस तारीख को पेमेंट आ जाएगा। जैसे मान लो आप कर दीजिए 5 से 10 तारीख के बीच आपका पेमेंट डल जाएगा। तीसरा अपना मुद्दा रहेगा कि भाई सभी युवाओं को मौका दिया जाए जिनका फोरम स्टॉप हुआ है, चाहे आप उन गलती से हुआ हो चाहे उन्होंने इससे परेशान होकर इंटर्नशिप को छोड़ दिया हो, तो सभी को मौका दिया जाए। और चौथा अपना सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा कि जैसे मान लो जिन साथियों को इंटर्नशिप दूर मिली है, तो उनको आने जाने का जो भी किराया भाड़ा मिलता है तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से आप दे दीजिए, ठीक है ना। जैसे भाई 5 रुपये दे दीजिए 1 किलोमीटर का, और जैसे 10 दे दीजिए ना, जो भी अच्छा लगे उनको अतिरिक्त शुल्क देना ही पड़ेगा। और उसके बाद जैसे मान लो जो साथी इंटर्नशिप नहीं करना चाहता है, उसको भाई भत्ता आप अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे मान लो 4500 मिलता है 4000 मिलता है, तो उसको आप 500 रुपये काट के 4000 कर दीजिए। और जो इंटर्नशिप करना चाहता है उसको तो आप पूरा दोगे ही, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा इंटर्नशिप योजना को बंद करने का, ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंट थे जिनको हमने साथियों हमारे ज्ञापन में शामिल किया है, और जल्दी ही इनको साथियों सुपुर्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और मेरा भी आपसे निवेदन रहेगा, देखो दोस्तों, मैंने आपको हर संभव प्रयास मेरी तरफ से प्रयास किया है जो भी हो सकता है, क्योंकि हमारा एकमात्र यूट्यूब चैनल था जब इंटर्नशिप योजना साथियों लागू हुई थी, तो लगभग मैंने 150 वीडियो बनाए होंगे कि इंटर्नशिप योजना बंद होनी चाहिए या इसके नियमों में परिवर्तन होना चाहिए। और लगभग 4 महीनों के बाद इसके 5 या 6 नियमों में परिवर्तन भी कर दिया गया था। तो साथियों, मुझे ये लगता है कि भाई देखो, आपके लिए जो भी मेरे से हो सकता है वो मैं करता रहूँगा। और मैं उन यूट्यूबरों को भी कहना चाहूँगा कि भाई आप भी अपने आगे आएँ, ठीक है ना, क्योंकि आपका भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ भी हज़ारों साथी जुड़े हुए हैं, तो आप भी प्रयास करिए। देखो साथियों, क्योंकि बिल पास पेमेंट की जानकारी तो कोई भी दे सकता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। यदि कोई जानकारी नहीं देगा, जब भी बिल पास होगा पेमेंट आएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता योजना को इस प्रकार से लागू कर दिया जाए भाई साहब, किसी युवा को एक सेकंड के लिए तड़पना नहीं पड़े। क्योंकि बिल पास होने में भाई साहब विद्यार्थी इतना वेट करते हैं, कब हमारा पेमेंट आएगा, कब हमारा बिल पास होगा, क्योंकि ये पढ़ने वाले युवा हैं, वो यदि इसी प्रकार की टेंशन करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनकी पढ़ाई है वो ठीक प्रकार से हो पाएगी, ठीक है। तो ये हमारी प्रमुख मांगें हैं, और आपके लिए साथियों हर सब हम तैयार हैं और आपके लिए करते रहेंगे। आज इतना ही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में आपको शेयर करना है।